देखिए, हमने फर्स्ट लॉ अच्छे से पढ़ा और उसकी कुछ एप्लीकेशंस और कुछ ड्रॉबैक्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेशंस ऑफ मेयर इक्वेशंस। मेयर इक्वेशंस, मेयर इक्वेशन क्या था? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी यहां पर क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी यहां पर क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? तो आप कैसे, तो आप जानते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? इफ प्रोसेस इज आइसोबारिक, अच्छा अगर प्रोसेस आइसोबारिक है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? क्यू की वैल्यू होगी क्यू पी, और क्यू पी की वैल्यू क्या होगी? एन सी पी डेल्टा टी। समझ में आ रहा है? और डब्ल्यू क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी या एन आर डेल्टा टी। बात एक ही है, दोनों में से एक रहा हो सकता है अगर प्रोसेस आइसो बारीक है। साउंड चेक, तो क्लियर है आवाज हर जगह? हाँ। तो अगला पॉइंट, ये दोनों को हमने मेन इक्वेशन में रखा। कौन सी हमारी मेन इक्वेशन? ये। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और थर्ड, बाय फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशंस। अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन से सारी वैल्यू रखेंगे, और एक और है डेल्टा ई की वैल्यू तो आप जानते ही हो, कोई भी प्रोसेस हो डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी ही होगा। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशंस, तो अब आपके लिए क्या होगा? हर चीज रख लीजिए, डेल्टा ई की वैल्यू एन सी वी डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू एन सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस एन आर डेल्टा टी, एन आर सॉरी एन कोट काट सकते हैं, एन क्रॉस कर दिया डेल्टा टी क्रॉस कर दिया, तो क्या हो जाएगा? सी वी इक्वल टू सी पी माइनस आर। तो ये हमारे लिए हो गया सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। तो हमने डेरिवेशन किया, डेरिवेशन ऑफ मेयर इक्वेशंस। हाँ या ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो ये हमारे लिए डेरिवेशन हुआ मेयर इक्वेशंस का, लिख लें। सेकंड एप्लीकेशंस,